गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. वेलकम इन द सीएमएस ट्रस्ट एजुकेशन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेस. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स. देखिए, ये फोर्स जब आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता हो जाती हैं कि आपने अभी तक जितने भी फोर्सेस पढ़े हैं, मैस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स और बहुत सारे टाइप के फोर्सेस जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, वो जो भी फोर्सेस हैं वो इन्हीं चारों के एक टाइप होते हैं. मतलब यही चार फोर्सेस होते हैं इस नेचर में. देखिए, फिजिक्स का एक लॉ होता है कि वो यूनिफिकेशन पर वर्क करती है. मीन्स दैट कि एक ही लॉ से वो बहुत सारी चीज़ें को ड्राइव करना चाहती है. तो जो भी फोर्सेस हम अभी तक पढ़े हैं, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, अभी मैंने जो भी बताया, वो सब इन्हीं चारों के पार्ट होते हैं. ठीक है, तो हम ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इसका हमें ज़्यादा कुछ स्टडी करना नहीं है. ये हम बीएससी या एमएससी में पढ़ेंगे. इसमें केवल आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स. अब आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा. ठीक है, कि दो बॉडी है, ठीक है, जिनका कुछ मास है और वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है. कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स. हमेशा ये, इसका फर्स्ट नेचर क्या होता है? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. ठीक है, मतलब नेवर रिपल्सिव. ये जो फोर्स होगा वो हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता है. ठीक है, और ये जो फोर्स होता है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स. सबसे वीकेस्ट फोर्स यही होता है. दूसरी चीज इसमें क्या है कि ये जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करता है. आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में एफ प्रोपोर्शनल टू जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर. मतलब जैसे जब से हम इनके बीच की डिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आपका फोर्स वो घटता चला जाता है. या अगर हम स्क्वायर के हैं, ठीक है, अगर हम ये डिस्टेंस घटा रहे हैं तो फोर्स बढ़ेगा. इसका मतलब है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है. ठीक है, दूसरी चीज मैंने बताया, ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है. तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, अब सेकेंड थिंग पर आते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, अब ये जो फोर्स है ये दो भागों में डिवाइड हो, इसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, सेकंड है मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं? अभी हम यहाँ पर कोई भी, अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था वो किसकी वजह से होता था? उसके ड्यू टू इट्स मासेस, इनका कुछ मास की वजह से फोर्स लगता था. अब बस यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होगा कि जहाँ ये बॉडी होती थी कुछ मास की, यहाँ पर हम क्या लेंगे? दो चार्जेस लेंगे, पॉजिटिव चार्जेस लेंगे या जो भी चार्जेस आप डालें, पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी, तो यहाँ पर हम एक चार्ज लेंगे. जैसे यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट थे तो यहाँ पर हमने दो चार्ज लिया. अब चार्जेस की प्रॉपर्टी, जैसे चार्ज आया तो आपको चार्जेस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो लाइक चार्जेस हैं
वो क्या करते हैं, दे रिपेल ईच अदर, और जो अनलाइक चार्जेस हैं दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ अगर दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस हो, ठीक है, दो चार्ज के बीच के अगर फोर्स लगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और यहीं पर अगर दो पोल की बात अगर हम करते हैं, इनके बीच जो फोर्स लगता है अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, ये इनके इस चार्ज या पोल के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो अट्रैक्टिव होंगे कि रिपल्सिव होंगे। ठीक है, तो अगर दो चार्जेस के बीच फोर्स वर्क कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो पोल के बीच वर्क कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों को हम कंबाइन फॉर्म में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। और इन दोनों की सबसे मेन चीज़ें क्या होती हैं कि ये दोनों, इन दोनों को मीडियम की आवश्यकता नहीं है, मीडियम हो तो ठीक है, नहीं तो ये लगेंगे चाहे जो हो जाए। ठीक है, ये तो मतलब ये जो तो फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इनको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, चाहे मीडियम हो या ना हो ये एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो इसके बाद है ये सेकेंड वीकेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब ये आपकी बुक में जो होगा वो केवल स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे, लेकिन मैंने न्यूक्लियर इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो ये फोर्सेस होते हैं वो केवल न्यूक्लियस के अंदर ही अप्लाई होते हैं, उसी के अंदर ही होते हैं। हम देखिए एटम की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। जैसे आपने एटम में पढ़ा होगा, एटम जो है क्या है, मैटर है। मैटर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके रिवॉल्व करता है उसके चारों तरफ। तो यहाँ पर हम जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, अब आपको पता है ये न्यूक्लियस है, इसमें दो ही चीज़ होती हैं, एक प्रोटॉन होता है, यहाँ प्रोटॉन होता है, या न्यूट्रॉन होता है, यहाँ प्रोटॉन होता है, यहाँ प्रोटॉन होता है। ठीक है, अब आपको आपने क्या देखा होगा कि अगर प्रोटॉन है, ठीक है, अगर ये प्रोटॉन है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इनके चार्जेस होते हैं, लेकिन हमें इन बाहर चार्जर पर नहीं जाना है। तो यहाँ पर अगर ये एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि ये दो ऐसा हो कि ये न्यूक्लियस ही फट जाए। ठीक है, ये न्यूक्लियस फट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ये हमें पढ़ना है, वो हम इसलिए नहीं होता क्योंकि इनके बीच, ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे क्योंकि ये बहुत ही, ठीक है, वीक फोर्स होता है, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए होता है, इसी न्यूक्लियस में है। अब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, यहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बहुत ज़्यादा हो गई, इसके लिए इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच नहीं लगेगा, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला एक फोर्स होता है जो इनको बाउंड किए होता है, इसलिए ये क्या कहते हैं, न्यूक्लियर, ये जो न्यूक्लियस है उससे बाहर नहीं चले जाते। तो अगर यहाँ पर हम डिफिनीशन लिखना चाहें तो ये जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच न्यूक्लियस में जो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है, उसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब इसकी जो रेंज होती है वो बहुत शॉर्ट रेंज होती है, ठीक है, शॉर्ट रेंज होती है, ठीक है, क्या होती है, शॉर्ट रेंज होती है, लेकिन इन दोनों की रेंज, ये लॉन्गेस्ट रेंज होती है इनकी, ये जो जो होते हैं, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट रेंज होती है इनकी, इसकी भी बहुत लॉन्गेस्ट रेंज होती है, ठीक है, लेकिन ये जो दो फोर्सेस हैं ये बहुत ही क्या कहें शॉर्ट रेंजेस के फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब हम आते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स में। आपको इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना ही है, केवल अभी इतना जान लीजिए कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, अब वीक है
ठीक है, तो न्यूक्लियर इसलिए वहाँ आपके बुक में केवल वीक ही होगा, फोर्स मैंने न्यूक्लियर इसलिए लिखा है ताकि आपको ये जो भी होता है ये न्यूक्लियर टाइप में ही होता है, ठीक है। और ये जो क्या कहते हैं कंडीशन अकर होती है वो कहाँ हुआ, ड्यूरिंग द डिस्कवर, ड्यूरिंग द बीटा इमिशन, या हम कहते हैं क्या कह सकते हैं कि जो बीटा डीके होता है उसमें ये फोर्सेस पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये इनकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं ये केवल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में ही पाए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, अगर ठीक है जब बीटा डीके होता है व्हेन इज बीटा इमिट, तो क्या होता है, बीटा मतलब जब डीके होता है तो उसमें जो ये न्यूट्रॉन होता है वो किस में डिवाइड हो जाता है, जो प्रोडक्ट आपका बनता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, क्या कहते हैं इसको, एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एंटी न्यूट्रिनो है ये आपको आपके लिए अभी नया होगा, ठीक है, लेकिन ठीक है इसलिए इसको जरूरी नहीं है कि ये क्या होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, यहाँ पर अगर हम प्रोटॉन और ठीक है इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, वन सेकेंड, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हम ठीक है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम सिंपली कंबाइन फॉर्म में हम न्यूट्रिनो कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, ठीक है। दो चीज़ें होते हैं, एक एंटी एक पार्टिकल क्रिएट होता है, एक एंटी पार्टिकल, बस ये समझ लीजिए कि ये क्या है, एक एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है, और ये भी शॉर्ट रेंज की फोर्सेस होती हैं। तो ये आपके चार फोर्सेस हैं, ठीक है, यही चार फोर्सेस आप जो जहाँ भी पढ़ेंगे केवल यही चार फोर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है, और जो भी होगा इसी में हम स्टडी करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है, और उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। तो अब इनकी हम कंपैरिजन पर आ जाते हैं, आप एनसीईआरटी में भी दिया है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स अगर इसकी वैल्यू हम 1 मान लें, ठीक है, इसकी वैल्यू हम 1 मान लें, ठीक है, और इसकी 10^-9 समथिंग करके कुछ है, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक फोर्स, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, इसकी रेंज होती है 10^-39, ठीक है, इसके बाद इसकी होती है 10^-19 समथिंग कुछ होती है, आई थिंक देख लेना आप लोग, और इसकी 9 होती है, जो भी हो आई थिंक देख लीजिएगा आप, ये दोनों रेंजेज इनकी, ठीक है। अब बस आप ये देखिए कि इसमें सबसे स्ट्रांग, सबसे मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, स्ट्रांग फोर्स, उसके बाद ईएम फोर्स, उसके बाद वीक फोर्स, और सबसे वीकेस्ट मतलब अगर वीकेस्ट की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका टॉपिक, ग्रेविटेशन, बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स या बेसिक फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा इसको, और आप इसको देखिए, अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और हमारा ऐप आ चुका है सीएमएस ट्रस्ट एजुकेशन का, आप सीएमएस का जो भी है आप उस पर लॉगिन करिए और अपने असाइनमेंट और बाकी सारी चीज़ें उसको आप पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।